हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, आज इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे मीटर रीडिंग भेज सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर आप घर बैठे मीटर रीडिंग कैसे भेज सकते हो, तो मैं दोस्तों आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन लेके आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठे ही मीटर रीडिंग भेज सकते हो। दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको एक ही क्लिक करना है और आप आसानी से मीटर रीडिंग भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ और दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि आप कैसे घर बैठे मीटर रीडिंग भेज सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का नाम स्मार्ट बिजली एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, आप इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस दे सकते हो। इसमें पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप सभी चीज़ें कर सकते हो। इसमें आप बिजली का बिल भी जमा कर सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आप सिंपल एक ही क्लिक के माध्यम से यहाँ पर आप आसानी से बिजली का बिल भी जमा कर सकते हो। और मीटर रीडिंग के लिए आपको सिंपल मीटर रीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना 10 डिजिट का IBRS नंबर डाल देना है। जैसे ही आप IBRS नंबर डाल दोगे, आपको व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका IBRS नंबर, आपका कस्टमर नाम और मोबाइल नंबर, ये सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको टेक रीडिंग फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप टेक रीडिंग फ़ोटो पे क्लिक करोगे, आपको कैमरा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो भी मीटर रीडिंग होगा, तो आप सिंपल उसको क्लिक करके भेज देना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आप कोई भी फ़ोटो ऐसे आप क्लिक कर लोगे मीटर रीडिंग की फ़ोटो क्लिक करके, आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे सबमिट कर देना है। तो ये दोस्तों काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको एक ही क्लिक में आप काफ़ी आसानी से मीटर रीडिंग भेज सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इससे आप काफ़ी आसानी से बिजली का बिल भी एक ही क्लिक के माध्यम से भेज सकते हो। आपको कोई भी अदर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।